देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दी। तेनु खोण तो डर दी मैं वे चुप कर जानी बेटा मैं डैडी जा तेरा मेरा रिश्ता गल गल पे लड़ दे। सावली सलोनी अदाए मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा बनर तुझे घट घट मरती हूँ देखो का कोला तू। हेलो मम्मी। हाँ। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है तो मैं ना 4-5 दिन के लिए घर आ रही हूँ रहने के लिए। अरे तू क्यों आ रही है? झगड़ा वा हराम खोर ने करो है ना। हाँ, तो सजा भी वही मिलनी चाहिए। तू रुक और मैं आ रही हूँ 5-6 महीना को। क्या बॉलीवुड एक्टर टिकटॉक एक्टर अमित ये देख, ये मैंने 3 दिन पहले डाली वीडियो, 40,000 लाइक आ गए। अच्छा सर, मैंने भी 1 घंटे पहले डाली, इसमें 7 मिली लाइक्स आए। तेनु खोण तो डर दी मैं वे चुप कर जानी बेटा मैं डैडी जा तेरा मेरा ये रिश्ता गल गल पे लड़ दे। दिन विच्चो तेरे लिए टाइम कड के करदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा मैनू पता है तू फैन सलमान आरे आरे सैटरडे नु मिस कुड़ी करे ना क्लब ताईयो लब तेरे मुंडे ओनु सारे सैटरडे नु मिस कुड़ी करे ना क्लब ताईयो लब तेरे मुंडे ओनु सारे। भैया please wait for a minute, take some tambaku. All right. What do you do with then it? Take some chuna. All right. And ragad dana dana. Then grab in your fingertips. All right. Open. The girl was bad. The girl was dangerous. इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। बहुत ही प्यारी बात कहूंगा, माँ
एक बार एक बूढ़ी औरत किसी पार्क में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। पास ही में एक कौवा भी बैठा हुआ था। माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार बेटे को गुस्सा आई और बेटे ने गुस्से में कहा, माँ तुम्हें कितनी बार बताना पड़ता है कि ये कौवा है? माँ हंसी और माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा जब तू 5 साल का था ना तो यही जगह थी और ऐसा ही कौवा बैठा हुआ था और तूने मुझसे 70 बार पूछा था कि माँ ये क्या है और मैंने 70 बार तेरा माथा चूम कर कहा था कि बेटा ये कौवा है, ये कौवा है। अपनी माँ से हमेशा प्यार करें, अगर ये हस्ती चली गई ना तो जिंदगी में